बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, एक है वंस इन अ ब्लू मून। वंस रेयरली, यहाँ से इसका ये मतलब है कभी कभार, सेल्डम। वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार ऐसा होता है कि ये काम होता है, रेयरली होता है। रेयरली का मतलब होता है जब कोई चीज़ें बहुत पुरानी होती हैं, रेयर होती हैं, जो मिलती नहीं हैं, उनको भी कहते हैं रेयरली। तो यहाँ पे कोई ऐसा काम जो कभी कभार होता है, उसके लिए हम कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। अब कैसे इसकी एग्जाम्पल लेंगे? ही इज़ वेरी लेज़ी, वो क्या है, बड़ा ही सुस्त है, लेज़ी है, एंड वुड गो आउट, और कितना बाहर जाता है, वुड गो आउट फॉर अ वॉक वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, ये नहीं कि मून पे, ब्लू मून पे जाता है, नो। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब है कभी कभार, रेयरली, सेल्डम। ही इज़ वेरी लेजी एंड वुड गो आउट ऑफ फॉर अ वॉक वंस इन अ ब्लू मून। ओके, दिस इज़ वेरी ईजी एंड क्रिस्प, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। नेक्स्ट इज अ स्नेक इन द ग्रास, अ स्नेक, वैसे स्नेक जो होता है वो क्या होता है, सांप। अ स्नेक इन द ग्रास, अ पर्सन, अ स्नेक इन द ग्रास, ये किसके लिए यूज हुआ है? ऐसा बंदा, समवन और अ पर्सन हु प्रिटेंड्स, होता कुछ है और अपने आप को प्रिटेंड कुछ करता है। प्रिटेंड करने का मतलब होता है अपने आप को ज़रा डिफरेंट बना के पेश करना, ऐसे जाहिर करना कि मैं ये हूँ, लेकिन असल में वो होता नहीं है, प्रिटेंड कर रहा होता है। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी अ फ्रेंड, जो आपको क्या जाहिर करता है कि मैं आपका फ्रेंड हूँ, दोस्त हूँ, बट कैन नॉट बी ट्रस्टेड, लेकिन उसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। वो क्या है, अ स्नेक इन द ग्रास। उसके लिए आप एक लफ्ज़ यूज़ करेंगे कि ये जो मेरा फ्रेंड है ना, वो किसी और को आप बताएंगे, उसको सामने नहीं बताएंगे, क्योंकि उसको पता चला तो वो कहेगा ये मुझे गलत समझ रहे हैं। अगर वो बुरा है असल में और आपके साथ कहता है कि आओ बाहर चल के खेलते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, आप कहते हो ही इज़ अ स्नेक इन द ग्रास। आप एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, द किंग, किंग किसको कहते हैं, बादशाह या किंग जो होता है, ट्रस्टेड हिम, उसके ऊपर भरोसा किया, किसके ऊपर, हिम के ऊपर, बट ही, अब ये जो बंदा है वो क्या है, ही अ स्नेक इन द ग्रास, अ स्नेक इन द ग्रास हेल्प्ड द किंग्स ब्रदर to kill the king while he slept, जब वो सो रहा था तो उसी ने किंग को, जब वो सो रहा था तो हेल्प की थी किंग के ब्रदर की, उसको मारने में, किसको मारने में, किंग को मारने में। अब इसको आपने फिर एक दफा रिवाइज करना है, द किंग ट्रस्टेड हिम, किंग ने उसके ऊपर ट्रस्ट किया, बट ही अ स्नेक इन द ग्रास, लेकिन वो उसका दुश्मन था, हेल्प द किंग्स ब्रदर, किसकी हेल्प की, किंग के भाई की, टू किल द किंग्स, किंग वाइल ही स्लेप्ट, जबकि वो, वाइल का मतलब होता है उस दौरान जब वो सो रहा था, वाइल ही स्लेप्ट। नेक्स्ट इज अ स्टोन्स थ्रो, अ स्टोन्स थ्रो, अवे फ्रॉम समथिंग, इसका क्या मतलब है, अवे फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से दूर होना, अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, कितने फासले के लिए ये यूज़ हो रहा है, थोड़ा सा फासला है, इतना सा डिस्टेंस है, फासले को कहते हैं ना, अ स्टोन्स थ्रो।
स्टोन्स थ्रो, यानी ऐसे पत्थर फेंकेंगे तो आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे, आप ये भी कह सकते हो अवे फ्रॉम समथिंग, अ स्टोन्स थ्रो, स्टोन ये आपने यहाँ पे पत्थर मारा और यहाँ पे ये पहुँच गया, अ स्टोन्स थ्रो। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं, आई यूजुअली अक्सर मैं क्या करता हूँ, वॉक टू माई स्कूल, कहाँ पे जाता हूँ मैं स्कूल, वॉक करके जाता हूँ, एज जैस एज इट इज़, क्योंकि ये क्या है, एज इट इज़ अ स्टोन्स थ्रो। अब इसमें कॉमा डाल के एस डालना, स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई होम, यानी ये इतना थोड़ा सा फासले पे है जितना कि स्टोन्स थ्रो करें तो पहुँच जाए, इट इज़ अ वेरी लिटल डिस्टेंस एंड यू आर टेलिंग द डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, आई यूजली वॉक टू माई स्कूल, मैं क्यों वॉक करके चला जाता हूँ, गाड़ी पे नहीं जाता, एज इट इज़ अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई होम, एज इट इज़ अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई होम। नेक्स्ट है फील ऑफ क्ले, फीट ऑफ क्ले, फीट ऑफ क्ले क्या है, नो आई शुड राइट हियर, फीट ऑफ क्ले, क्ले किसको कहते हैं, वो जो गीली मिट्टी होती है उसको कहते हैं ना, फीट ऑफ क्ले, अ फ्लॉ, एक ऐसा आपके अंदर जो गलती होती है, एक आपके अंदर कोई मिस्टेक होती है या आपकी कोई वीकनेस होती है, कमज़ोरी होती है और डिफेक्ट होता है, क्या होता है, डिफेक्ट, जैसे किसी चीज़ के अंदर डिफेक्ट आ जाता है, मैं कहती हूँ कि ये बोर्ड जो है इसके अंदर डिफेक्ट आ गया, यहाँ पे इसके अंदर होल हो गए हैं, अब ये लिख नहीं सकता, इसके अंदर डिफेक्ट है, मशीन के अंदर डिफेक्ट है या उसके अंदर कोई फ्लॉ है, तो फीट ऑफ क्ले ये किसको जाहिर करता है, डिफेक्ट को, फ्लॉ को, किसी वीकनेस को, कमज़ोरी को। ओके अब इसका एग्जांपल देखते हैं, इवन ग्रेट मैन, बहुत अच्छे अजीम लोग भी क्या होते हैं, हैव फीट ऑफ क्ले, मिट्टी जब पैरों पे लगती है ना तो गंदा हो जाता है ना पैर, तो क्ले, फीट ऑफ क्ले, फॉर दे आर, जैसा कि दे आर आफ्टर ऑल, आखिरकार वो भी क्या हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, इसलिए उनके अंदर भी गलतियाँ होती हैं, ह्यूमन बींग्स, इवन ग्रेट मैन हैव फीट ऑफ क्ले, ग्रेट मैन के अंदर भी कोई गलती हो सकती है, फॉर, क्योंकि वो क्या हैं, दे आर आफ्टर ऑल ह्यूमन बींग्स, क्योंकि वो भी इंसान है, आफ्टर ऑल आखिरकार दे आर ह्यूमन बींग्स। ओके देन इज यू शुड स्टॉप हेयर एंड रिवाइज इट 5 to 10 times.